स्वागत तो है आपका, मैं हूं प्रशांत चौरे। दिल्ली में एसीपी विवाद में अब दिल्ली सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। केंद्र को नोटिस भेज करके हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त तक के लिए टाल दी गई। इस बीच फिलहाल मीणा के काम करने के रोक पर और ऑफिस में घुसने पर रोक की मांग पर हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। हम आपको बता दें कि एसीबी में बतौर एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव पहले से ही तैनात और इसके बाद उन पर ज्वाइंट सीपी मीणा की नियुक्ति कर दी गई और इसी पर दिल्ली सरकार का मानना है कि एसीबी में ज्वाइंट सीपी पद पर एमके मीणा की नियुक्ति पूरी तरह से गैर कानूनी है और ज्वाइंट सीपी का कोई प्रावधान ही यहां पर नहीं है। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ कोर्ट में आज कहा गया है? देखिए, अदालत ने यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक नोटिस इशू किया है केंद्र सरकार को और साथ ही कहा कि जो यथास्थिति है वो पहले से वो बनी रहेगी। मतलब ये कि जॉइंट सीपी मीना के जो काम करने पर जो रोक है दिल्ली सरकार की मांग थी उस पर कोई अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। हमारे साथ अक्षय जी हैं, ये केंद्र सरकार के वकील थे। आप बताइए कोर्ट ने क्या बोला? सर, दिल्ली सरकार की दो एप्लीकेशनें थी। एक थी कि मिस्टर मीना को पार्टी बनाया जाए इस केस में, वो एप्लीकेशन दिल्ली सरकार ने विड्रॉ कर ली कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पे कि उनका पार्टी बनने का इस केस में कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी एप्लीकेशन थी कि मिस्टर मीना को एसीबी के दफ्तर के अंदर आने से रोका जाए और एसीबी के कामकाज में इंटरफेरेंस ना हो उनकी। उस एप्लीकेशन पे कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया है कोर्ट ने। कोर्ट ने करीब 1-1.5 घंटा सुनी दलील दिल्ली सरकार की और सिर्फ इतना ऑर्डर किया है कि मिस्टर मीना विल कंटिन्यू टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, नो इंटरिम ऑर्डर हैज बीन गिवन, और केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का टाइम दिया है जवाब डालने का। फिर जब मेन पिटिशन 11 अगस्त को लगी है तभी इस एप्लीकेशन को भी लिया जाएगा। ये बताइए कि केंद्र सरकार का रुख साफ तौर पर दिल्ली सरकार के किस किस ग्राउंड पर अपोज किया था केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में? ये केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो पुलिस है वो आर्टिकल 239AA के तहत एक्सेप्टेड सब्जेक्ट्स में आता है, मतलब जो केंद्र सरकार के डोमेन में आता है। तो देयरफॉर एलजी इज नॉट बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इन दोज मैटर्स एंड द अपॉइंटमेंट मेड बाय द एलजी इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो इसीलिए जो भी ऑर्डर एलजी ने पास किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और मिस्टर मीना अपना काम करते हैं। अब अदालत के इस आदेश के बाद मायने क्या निकाला जाए, फंक्शनिंग क्या होगी? मीना जी ज्वाइंट कमिश्नर के तहत अपना कामकाज करते रहेंगे जैसे पहले कर रहे थे एलजी के ऑर्डर के हिसाब से। और ये बताइए कि अब इसके बाद यहाँ पर फंक्शनिंग क्या होगी, किस तरीके से यहाँ पर मीना परफॉर्म करेंगे? सर, जो एलजी के ऑर्डर हैं उसी हिसाब से फंक्शन करेंगे मिस्टर मीना। ही इज़ बीन अपॉइंटेड जॉइंट कमिश्नर एसीबी टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द एसीबी। ही विल कंटिन्यू टू एक्ट, ही इज़ अबव मिस्टर यादव इन रैंक, सो ही विल हेड द एसीबी। और ये बताइए अब जो दिल्ली सरकार का ये जो रिप्लाई फाइल करने को कहा है, क्या क्या पॉइंट केंद्र सरकार अब 2 हफ्ते बाद रिप्लाई करेगी? ये जो भी उन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं अपनी एप्लीकेशन पे उसका हम जवाब देंगे। जो मेन मुद्दा यही है कि एड एंड एडवाइस पे एलजी ने चलना है कि अपने डिस्क्रिशन में चलना है, उस पर बहस होगी 11 अगस्त को, तभी फैसला होगा इन मामलों पे। तो 11 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि वो विरोध करेगी। और सरकारी वकील को आप अपने साथ बनाए रखें। हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर बता दें कि ताजा खबर है कि मीणा नियुक्ति विवाद पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी कर ली है। हाईकोर्ट में राहत नहीं मिलने के बाद सरकार इस पर विचार भी कर रही है। दिल्ली सरकार का मानना है कि मीणा की नियुक्ति का मुद्दा ऐसा है जिसमें वो इंतजार नहीं कर सकती। और इस विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या कुछ तैयारी अब दिल्ली सरकार की है? देखिए प्रशांत, दिल्ली सरकार को ये उम्मीद थी कि एक इंटरिम राहत उसे मिलेगी और जब तक ये मामले की सुनवाई चलेगी तब तक के लिए हो सकता है कि मीना की नियुक्ति पर किसी तरह से कोर्ट कोई राहत उन्हें दे, लेकिन कोर्ट से कोई राहत दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली है। और दिल्ली सरकार के जो अधिकारियों से और सूत्रों से हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि इस मसले पर दिल्ली सरकार किसी भी तरह के इंतजार के मूड में नहीं है और वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। और उसका ये मानना है कि ऐसा मामला है जो तुरंत सुलझना चाहिए क्योंकि
इस विवाद के कारण जो एंटी करप्शन ब्यूरो है दिल्ली का, वो काम बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, और उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाने की सरकार तैयारी कर रही है। एक बार ये जो हाईकोर्ट का आज का आदेश है उसके बारे में वो अपने लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेगी, अपने कानूनी जानकारों से बात करेंगे दिल्ली सरकार के अधिकारी, और उसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तुरंत जाने का फैसला सरकार का है, और सरकार का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर विक्रांत, अभी जो कोर्ट में मसला आया है इसमें 2 हफ्ते के भीतर केंद्र से जवाब भी मांगा गया है, क्या दिल्ली सरकार इतना भी इंतजार नहीं करना चाह रही? देखिए प्रशांत, दिल्ली सरकार को ये लगता है कि इस मामले में उसे फौरी राहत मिलना जरूरी था, तभी एंटी करप्शन ब्यूरो काम कर सकता है। इसी कारण आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट के शनिवार को ये इस मामले में दिल्ली सरकार ने अपनी इंट्रिम एप्लीकेशन लगा दी थी, और उसको ये उम्मीद थी कि एक इंट्रिम राहत उसे मिल जाएगी जिससे वो आगे इस मामले की सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन अब चूंकि इस मामले की रूटीन में हियरिंग होगी, दो हफ्ते में सरकार अपना जवाब देगी केंद्र सरकार, उसके बाद मामले की सुनवाई ऑन मेरिट चलेगी, तो ये लंबा चल सकता है मामला। इसलिए दिल्ली सरकार का यह मानना है कि इस मामले में उसे फौरी राहत चाहिए, और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और कानून के प्रावधान के तहत ये उसके अधिकार क्षेत्र में भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले में दरवाजा खटखटा सके। और दिल्ली सरकार का यह मानना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के कामकाज के लिए इस मामले में हल निकलना जरूरी है। ये उसके हक है, लेकिन ताजा हालात क्या कुछ बन रहे हैं? अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और उनके साथ सरकारी वकील भी हैं। अमित, अगर अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश में है, इस तैयारी में है, तो किस तरीके के आसार बनते नजर आ सकते हैं? क्या कुछ एक्सपर्ट जो आपके साथ मौजूद हैं वो कह रहे हैं? देखिए, हमारे साथ यहां पर केंद्र सरकार के वकील हैं, मकीजा जी, हम इनसे बात करते हैं। आप बताइए, अब तत्काल हमें सूत्रों के मुताबिक हमें ये जानकारी मिली है कि तत्काल प्रभाव से जो दिल्ली सरकार है इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, ऐसे में अब क्या रुख रहेगा? देखिए सर, अगर वो इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं तो इसकी अपील डिवीजन बेंच को लाई करती है, इसी कोर्ट की। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अब उसके बाद तब केंद्र सरकार का क्या रुख रहेगा या आपकी टीम की ओर से क्या रुख रहेगा? देखिए सर, जो हमारा है हम इसका जवाब डालेंगे, हम इसको अपोज करेंगे। जहाँ तक हमारा सवाल है, वो हम 11 अगस्त को ही इसकी बहस होगी अगली, क्योंकि जब तक मेन रिट पिटीशन नहीं डिसाइड होगी, ये सिर्फ इंटरिम एप्लीकेशंस पे कोई ऑर्डर हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मेन मुद्दा यही है कि एलजी को अपने डिस्क्रिशन में एक्ट करना है कि एड एंड एडवाइस पे एक्ट करना है, उस पे फैसला होगा 11 अगस्त को, उससे पहले इस पे और कोई ऑर्डर नहीं हो सकता है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि 11 अगस्त को एक विस्तृत जो सुनवाई है एक लार्जर इशू को लेकर, उस तब तक ये दिल्ली सरकार की अर्जी का विरोध करेंगे, और फिलहाल इनके मुताबिक 2 पॉसिबिलिटी। अब देखना है कि किस तरह से कार्रवाई होगी। नलिन कोहली बीजेपी नेता क्या कुछ इसी मामले पर कह रहे हैं? हम आपने थी इम्प्लीडमेंट की, वो जो वकीलों ने बताया होगा वो विड्रॉ हो गई, दूसरे पे कोई ऐसा इंटरिम कोई स्टे या कुछ आया नहीं है। ये मैटर अब डिस्कस होंगे कोर्ट में, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जब पुलिस है और पुलिस केंद्र के नीचे आते हैं और एलजी के नीचे आते हैं, तो उसके लिए कैसे आम आदमी पार्टी बार बार ऐसे विषयों को उठा रही है और काम करने में संकट पैदा कर रही है। सर, हाउ डू यू सी टुडेज ऑर्डर? वेल, वन हैज टू लुक एट इट इन टोटलिटी। द एसीपी वाज डेजिग्नेटेड एज अ पुलिस स्टेशन, इट वाज डेजिग्नेटेड बाय अ नोटिफिकेशन इशूड बाय द एलजी। Police comes under the center and it operates through the lieutenant governor, who is the administrator of the union territory of Delhi. From that perspective, this power is exclusively in the domain of the union government and therefore the administrator. So from that perspective, the court has not commented anything on that. There is no prevention on the functioning of the ACB as per law, and unnecessarily a politicization attempt is being taken place by the Aam Aadmi Party to politicize it. Let the functioning work. And why interfere with the police in discharging his duties? Sir, what will the scenario now till 11th of August? Will Mr. Meena will be in office? How he will function? How can? Well, as one is made out of the order, and the appropriate lawyers will add to it, I don't think there is any order in restraining Mr. Meena. He continues to operate in his full rights. He's after all appointed. He's a police officer functioning in what is a designated police station by a notification of the LG, who's competent to do so, because after all, police comes directly under the union. It does not come under the state. In the case of Delhi. और इस तरह से बीजेपी का मान, हाईकोर्ट से कोई राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी में है दिल्ली सरकार।